हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस की, जो कि बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस या जिसे हम जनरली पोल साइंस ऑनर्स कहते हैं, उसके लिए बेस्ट हैं। पोल साइंस ऑनर्स डीयू का काफ़ी पॉपुलर एंड ऑन डिमांड कोर्स है। अगर आप 12th के बाद बीए इन पोल साइंस ऑनर्स करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो कॉलेज नंबर 1 पर आता है वो है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का काफ़ी जाना माना कॉलेज है। हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट, फैकल्टी पोल साइंस ऑनर्स के लिए बेस्ट हैं। हिंदू सिर्फ अपनी पोल साइंस ऑनर्स के लिए ही पॉपुलर नहीं है, यहाँ की सोसाइटीज़, एक्टिविटीज़ एंड फेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। सो अगर आप पोल साइंस ऑनर्स करने की सोच रहे हैं तो हिंदू कॉलेज आपके लिए बेस्ट कॉलेज हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए पोल साइंस ऑनर्स में हिंदू की कट ऑफ जनरली 99-97.5% तक रहती है, यानी कि आपको 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने होंगे अगर आप हिंदू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इम्तियाज़ अली, गौतम गंभीर जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हिंदू कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। रॉकस्टार जैसी कुछ मूवीज़ की शूटिंग भी हिंदू कॉलेज में ही की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले कॉलेज की तरफ, जो है लेडी श्रीराम कॉलेज। लेडी श्रीराम कॉलेज हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। LSR दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में लोकेटेड है और पूरी कंट्री में ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हैं। LSR एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है। LSR का कैंपस, फैकल्टी, एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। इसकी कट ऑफ पोल साइंस ऑनर्स के लिए 98-97% तक रहती है। टीना डाबी, साक्षी तनवर, गोरी खान जैसी पर्सनालिटीज़ LSR के एलुमिनाय हैं। अब उसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है किरोड़ीमल कॉलेज। किरोड़ीमल कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। KMC का एनवायरनमेंट, फैकल्टी, सोसाइटीज़ सब कुछ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको पोल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 96-94% तक स्कोर करने होंगे अपनी 12th क्लास में। आप सबके चहेते सर अमिताभ बच्चन किरोड़ीमल कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। KMC में कबीर सिंह मूवी को भी फिल्माया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है रामजस कॉलेज। रामजस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। रामजस कॉलेज का भी कैंपस, एनवायरनमेंट, फैकल्टी, स्टूडेंट्स सब बढ़िया हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 97-95% तक स्कोर करना होगा। पैपोन, शेखर सुमन, मनोज बाजपेयी जैसी पर्सनालिटीज़ रामजस कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आता है मिरांडा हाउस। NIRF की रीसेंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिरांडा हाउस पूरी कंट्री में नंबर 1 कॉलेज है। ये एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। मिरांडा अपनी सोसाइटीज़, कैंपस एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड सेमिनार्स के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए मिरांडा हाउस की कट ऑफ 98-96% तक रहती है। नीति मोहन, शीला दीक्षित, मोनी रॉय जैसे सेलेब्स मिरांडा हाउस के एलुमिनाय हैं। कबीर सिंह और फुकरे मूवी के कुछ सीन्स मिरांडा हाउस में ही शूट किए गए थे। देन उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में लोकेटेड है। वेंकटेश्वर कॉलेज DU के साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज है, विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, फैकल्टी एंड क्राउड। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए वेंकी की कट ऑफ जनरली 96.5-94% तक रहती है। सो आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होंगे अगर आप वेंकटेश्वर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऋषभ पंत, श्रुति झा जैसे सेलिब्रिटीज़ वेंकटेश्वर कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं। उसके बाद इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जिसे शॉर्ट में SGTB खालसा या सिर्फ खालसा कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। खालसा कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। खालसा कॉलेज एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी कि इस कॉलेज में काफ़ी सीट्स सिर्फ सिख स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। खालसा का एनवायरनमेंट, कैंपस, फैकल्टीज़ सब कुछ काफ़ी अच्छा है। पोल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ 97-95% तक रहती है। उसके बाद नंबर 8 पर आता है दयाल सिंह कॉलेज।
दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के लोधी रोड में लोकेटेड है। दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज एंड फैकल्टी अवेलेबल है। दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन के लिए आपको अराउंड 93-91% तक स्कोर करना होगा अपने 12th बोर्ड्स में। अलका लांबा, सेबन अजीम जैसी पर्सनालिटीज़ दयाल सिंह कॉलेज के एलुमनाई हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज की तरफ। सो नंबर 9 पर आता है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स या DCAC दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में लोकेटेड है और यहाँ का बहुत ही जाना माना कॉलेज है। DCAC की कट ऑफ पोल साइंस ऑनर्स के लिए 95-93% तक रहती है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलेज पर। तो जो कॉलेज नंबर 10 पर आता है वो है श्री औरविंदो कॉलेज। श्री औरविंदो कॉलेज DU के साउथ कैंपस में लोकेटेड है। ये कॉलेज DU के बाकी कॉलेजेस जितना पॉपुलर तो नहीं है, बट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसकी कट ऑफ जनरली 89-87% तक रहती है। सो गाइस, ये थे DU के टॉप 10 कॉलेजेस जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, स्टूडेंट्स, फैकल्टी की बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। सो अगर आप पोल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं और आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आप बेफिक्र होकर एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉप 10 कॉलेज की सीरीज़ में आप क्या देखना चाहेंगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका DU एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन को और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।